Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. ऑन 1st January 2010 एबीसी लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा है 5500. लाइफ 10 इयर्स है और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 500 रुपए. फिर हमने और फर्नीचर खरीदे हैं 1st January 2011 को और 1st July 2012 को 9485. और इनकी स्क्रैप वैल्यूज दी हुई है. स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू एक ही बात होती है. 400 रुपए पहले फर्नीचर की और 500 रुपए दूसरे. अब आपको पहले 3 साल का अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से और कैलेंडर ईयर हम लोग फॉलो कर रहे हैं. तो अब आपको सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, तो आप फॉर्मूला लगाओगे. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स. जैसे फर्स्ट फर्नीचर जो मैंने खरीदा है वो 5500 रुपए का खरीदा है, उसकी 500 रुपए स्क्रैप वैल्यू होने वाली है और वो 10 साल चलने वाला है, तो 500 रुपए पर एनम उसका डेप्रिसिएशन होगा. सेकेंड फर्नीचर का हमने खरीदा है 9400 रुपए का और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 400 रुपए और ये भी 10 साल चलेगा, यानी कि 900 रुपए पर एनम. इसके बाद थर्ड फर्नीचर की 8500 रुपए कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू विल बी 500 रुपए और 10 साल की इसकी वैल्यू यानी कि 800 रुपए पर एनम इसकी की डेप्रिसिएशन. तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन पता लग गई तीनों फर्नीचर्स की पर एनम कितना डेप्रिसिएशन लगाना है. अब आपको इसमें फर्नीचर अकाउंट अपने माइंड में फिगर्स जो हैं वो बच्चों पेस्ट कर लो और अब मैं आपको फर्नीचर अकाउंट बनाकर दिखाता हूं. पूरा फॉर्मेट में आप बनाएंगे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट में. फर्स्ट कौन सी डेट थी पहली, 1st January 2010 टू बैंक अकाउंट. फर्स्ट हमने खरीदा था 5500 का और साल के एंड में 31st December 2010 कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, तो हमारा ईयर जनवरी से दिसंबर चलेगा. बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट पर 500 रुपए, ये आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा दिया. ये रहा बच्चों, ये रहा, ठीक है, ये रहा 500. अब 31st को ही बैलेंस कैरेट डाउन करूंगा बच्चों. 5500 में से 500 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बैलेंस बचा 5000. नेक्स्ट ईयर इसको ब्रॉड डाउन किया, 1st January 2011 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000 और इसी सेम डेट पे टू बैंक अकाउंट हमने सेकेंड वाला फर्नीचर भी परचेज कर लिया 9400. साल के एंड में फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे बच्चों. फर्स्ट फर्नीचर का आपको बता ही दिया 500 और सेकेंड फर्नीचर का भी आपको कैलकुलेट करके दिया था 900. टोटल 1400 डेप्रिसिएशन लग गया और बाकी बैलेंस कैरेट डाउन बच गया बच्चों. टोटल इस 14400, सो बैलेंस इस 13000. ठीक है जी, 14400 में से 1400 डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों. अब इसमें इसको हम लोग कैरी करेंगे 1st January 2012, थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया मैंने 13000 और इस साल में 1st जुलाई को हमने थर्ड फर्नीचर खरीदा है 8500 का. आपको एक बार फिर से दिखा दूं, ये 8500 का, हियर इट इज, ये 8500 खरीदा था,
फार्म सर्विस की स्क्रैपेबिलिटी 1 जुलाई को खरीदा था, ठीक है ना। तो ये आपका साल के एंड में, अब इस पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाने लगेंगे तो हमारे पास बच्चों अब 3 फर्नीचर्स हैं। फर्स्ट पे तो फुल ईयर का लगेगा बच्चों 500 रुपए, सेकेंड पे भी फुल ईयर का लगेगा 900 और थर्ड पर 800 रुपए पर एनम। ये आपको कैलकुलेशन करके दिया है पर एनम पूरे साल का 800, लेकिन ये तो मैंने खरीदा ही 1 जुलाई को है, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों। 800 रुपए पूरे साल का हो तो आधे साल का कितना होगा 400, तो इस साल 500 प्लस 900 प्लस 400 टोटल 1800 डेप्रिसिएशन और बाकी हमारा 21,500 डेबिट साइड का टोटल आया बच्चों। 21,500 में से 19,700 बचा, इसको बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे और इसको 1 जनवरी 2013 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शो कर देंगे। ये बच्चों हमारा पूरा अकाउंट बनेगा, ठीक है, समझ आई। पहले तीनों तरह के फर्नीचर्स पर हमने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया बच्चों, और फिर अकाउंट वाइज फर्स्ट ईयर का अकाउंट बनाया तो सिर्फ फर्स्ट ही फर्नीचर था तो फर्स्ट का ही डेप्रिसिएशन लगा, सेकंड ईयर का अकाउंट बनाया तो फर्स्ट और सेकंड दो फर्नीचर थे दोनों का लगा, थर्ड ईयर में बाई चांस तीसरा भी हमने खरीद लिया था तो तीनों का डेप्रिसिएशन लगाकर बैलेंस निकाल दिया। ओके, गॉट इट।